बच्चे अक्सर खाने को लेकर, अपने टिफिन को लेकर बहुत चूजी होते हैं, उन्हें बहुत ऑप्शन चाहिए होते हैं। ऐसे में सुबह सुबह आती है परेशानी। आज लाई हूँ उनके लिए 10 ऐसे ऑप्शन जिसमें से ढूंढेंगे हम 5 ऑप्शन। तो चलिए पहला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज जो टिफिन बनाए हैं उसमें पूरी कोशिश की है कि बारीक कटी हुई काफी सारी सब्जियां हम ऐड करें जिससे बच्चे वो खा लें। लेकिन आपके बच्चे अगर इतनी बारीक भी नहीं खाते तो उन्हें मैश करके दीजिए, हाफ बॉईल करके उसमें मिक्स करके दीजिए जिससे उनको पूरा पूरा न्यूट्रिएंट्स मिले। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए होंगे, किसी के चल रहे होंगे, ऐसे में बच्चों का मूड न खराब हो तो पहला ऑप्शन ढूंढते हैं, वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। वाओ, उनकी पसंदीदा नाश्ता मैक्रोनी बाइट। मैक्रोनी कई बार बनाई होगी, आज बाइट बनाते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैक्रोनी को। मैंने कुछ मैक्रोनी को रात को 50% कुक करके रखा था और उसके बाद 10 मिनट मैंने गर्म पानी में ही छोड़ दिया था। उससे होता ये है, मैक्रोनी जो है परफेक्ट सॉफ्ट हो जाती हैं। अब उसका पानी निकाल कर ऑयल लगा कर मैंने रख दिया था फ्रिज में, इससे मैं सुबह उसका नाश्ता बना सकूं। ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी अगर रात को आप भी इस तरीके से बना कर रख देंगे। इसमें डाल रही हूँ कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न, पनीर, ये सब डाल सकते हैं। इसमें मैक्रोनी भी थोड़ी मिक्स कर लें। उसमें आप थोड़ा थोड़ा मसाला डालें, काली मिर्च पाउडर, चिली पाउडर, चाट मसाला, नमक, इन सबको मिक्स कर दें। और यहाँ पर मैंने एक दूसरे बोल में 3 टेबलस्पून सूजी ली है बारीक वाली, 1 टेबलस्पून दही डाला है। दही ना हो तो सिर्फ पानी से ही गूंथ लें और थोड़ा सा नमक डालकर इस मिश्रण को तैयार करके एक तरफ रख दें। यहाँ पर मैंने अप्पे मोल्ड लिया है जिसमें थोड़ा ग्रीस कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने सबसे पहले उसमें थोड़ा सूजी का मिश्रण, फिर मैक्रोनी और सब्जियों का मिश्रण, फिर ऊपर से सूजी का मिश्रण डालकर, सूजी के ऊपर चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डालकर 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक कर रखें जिससे इसमें स्टीम लग जाए। अब उलटते पलटते इन्हें बना लीजिए। अब आपको ये लगेगा कि अगर अप्पे मोल्ड ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि तवे पर भी हम बहुत बढ़िया सा इसे बना सकते हैं। तवे पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाइए, थोड़ा मिश्रण रखिए सूजी का और मैक्रोनी और सब्जियों का मिश्रण रख के उसे कवर कर लीजिए सूजी के साथ, फिर ढक के रख लीजिए। उसके बाद ये आराम से थोड़ी देर में पलट जाएगा। बस ये बाइट जो है ना, इसमें भरपूर सब्जियां हैं, बच्चों की पसंद वाली मैक्रोनी है, सूजी है, आप इसे ऑयल से, बटर से, घी से, जो बच्चे खाते हैं उस तरीके से मसाला डालकर आप सेक लीजिए। अब बच्चों को टिफिन में दीजिए, साथ में आप उसमें कोई ना कोई फ्रूट जरूर रखिए, हरी चटनी, टमेटो केचप, जो आपके बच्चे खाते हैं वो जरूर डालिए। चलिए बच्चों के लिए ढूंढते हैं सेकंड डे का ऑप्शन क्या रहेगा। क्या रहा भाई सेकंड डे, क्या बनाएं? वाओ, बच्चों को बेहद पसंद आने वाला पिज्जा सैंडविच। आपको क्या करना होगा, उनके पसंद की ब्रेड लेनी होगी, हर स्लाइस में आप थोड़ा थोड़ा बटर लगा लीजिए, हरी चटनी लगाइए और टमेटो केचप लगा लीजिए। एक बोल लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पनीर कट करके डाला है, बॉईल किए हुए कॉर्न डाले हैं, इसमें थोड़ा चीज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना पनीर तो मैंने यूज किया ही है। उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटा प्याज अगर खाते हो, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा चीज डाल दीजिए या फिर पनीर डाल दीजिए। इसमें थोड़ी हरी चटनी या टमेटो केचप मिला लीजिए। इस मिश्रण को ग्रिल तवे पर या तवे पर नॉर्मल सेक सकते हैं और सैंडविच बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्रिस्पी सा सैंडविच बन जाता है, कोई भी बच्चा खाने में मना नहीं करेगा। आपको इसके लिए हरी चटनी, टमेटो केचप जरूर रखें बच्चों के टिफिन के साथ। कोई भी एक मौसम का फल रखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए भाई तीसरे दिन का ऑप्शन ढूंढते हैं फटाफट बच्चों के लिए, आज क्या बनाया जाए, आज मम्मी की पसंद का होगा या बच्चों की पसंद का वो देख लेते हैं। वाओ, आलू पूड़ी अचार, ये भी बच्चों को बेहद पसंद आता है। आलू नहीं है, आलू वाली पूड़ी है, तो आज आलू वाली पूड़ी कचौड़ी और बेड़े जैसी लगेगी लेकिन बनाना सिर्फ बहुत आसान है, साथ में अचार चटनी कुछ भी दे सकते।
अब चलते हैं बच्चों का पसंदीदा एक और नाश्ता बनाने। मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच सूजी को पानी से भिगो के रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर 1 आलू को ग्रेट किया है। इसमें नमक, हरा धनिया और मन चाहे मसाले डाल दीजिए और सूजी वाला मिश्रण डाल दीजिए। अब इसमें आटे से इस मिश्रण को गूंद लीजिए बिना पानी के, क्योंकि आलू और सूजी दोनों गीली हैं, उसमें आटा डल जाएगा तो बढ़िया सा एक टाइट डो बना लीजिए। अब इसकी बढ़िया सी पूड़ी बेल लीजिए। पूड़ी ऐसी लगेगी जैसे आपने कचौड़ी या बेड़ई बनाई हो। अब आप इसे फ्राई करते जाएं गोल्डन कलर आने तक। ये क्रिस्पी इतनी रहेंगी, काफी देर तक फूली रहेंगी। इसको आप किसी भी चटनी के साथ दीजिए, अचार के साथ या मुरब्बे के साथ दे दीजिए, जैम के साथ भी बच्चे खाना इसे पसंद करेंगे। और तो और इसे रूखा खाना भी बहुत पसंद आएगा। तो बस इसे डाल दीजिए, साथ में आज आप कुकीज़ रखें या फिर चिप्स रखें या फिर आज आप कोई दूसरा फ्रूट रखें, ये च्वाइस आपकी है। बहुत जल्द मैं आपको कच्चे आम की ऐसी चटनी की रेसिपी दूंगी जो कि बच्चों को बेहद पसंद आएगी पूड़ी पराठे के साथ। 4th डे का कौन सा नाश्ता बनाया जाए? ये उठाऊं या ये उठाऊं? बताओ कौन सी उठाऊं? कौन सी उठाऊं? ये 1, 2, 1, 2, चलो ये उठा दियो। वाओ, सुन के डरना नहीं, बहुत पसंद आएगी। वेज दलिया कटलेट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन है वो कटलेट, तो इसे रोटी के साथ, ब्रेड के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं बच्चे। आधा कटोरी दलिया, जिसको ब्रोकन व्हीट कहते हैं, मैंने उसे भिगो दिया था। ऐसे तो बच्चे दलिया खाना पसंद नहीं करते, इस तरह नाश्ते के अंदर वो दलिया जरूर खा लेंगे। और हाँ, कई पेरेंट्स मुझे कहते रहते हैं कि सब्जियां बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में इन सब्जियों को कच्चा ना डालें। फिर आप क्या करें, उन सब्जियों को थोड़ा स्टीम दे दें और उसे मैश करके इसमें मिक्स कर दें। ऐसे आप पराठे में भी डाल सकते हैं, पूड़ी में भी डाल सकते हैं, बॉयल किया हुआ आलू डाल सकते हैं, मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जो आपको पसंद है, जैसे नमक, लाल मिर्च, थोड़ा अमचूर पाउडर। ये सारा मिश्रण तैयार करके इसकी गोल गोल टिक्कियां बनाइए। अब इस टिक्कियों को बहुत कम तेल में या बटर में या घी में फ्राई कर लीजिए। दोनों तरफ फ्राई करने के बाद आप क्या करें, इसे रोटी में लपेट के, मतलब रोल करके दे दें या फिर ब्रेड सेक के साथ में दे दें। ये रोटी वाला ही दलिया हम पहले ही दे चुके हैं, इसलिए साथ में अगर ब्रेड दे देंगे तभी हमारा काम चलेगा। साथ में आप कोई भी फ्रूट रख दीजिए और टिफिन आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आज ढूंढते हैं फ्राइडे के लिए टिफिन कौन सा होना चाहिए। इसे ढूंढें 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 ढूंढें, इस तरीके से ढूंढें, ये जो अंदर से छुपा हुआ है ना उसे निकाल लेते हैं। तो ये है एगलेस ऑमलेट। अब सुन के डरे नहीं, इसमें एग तो है ही नहीं। तो एगलेस ऑमलेट हम बहुत अच्छा बनाएंगे जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और बच्चों को बेहद पसंद आएगा, बनता भी मिनटों में है। अब चलते हैं एक और नाश्ता बनाने, जो लास्ट डे 5th डे है। तो यहाँ मैंने थोड़ा बेसन लिया है, थोड़ा गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़े मसाले डालकर मैंने इसका घोल बनाया है। घोल थोड़ा पतला बना दिया है जिससे ये नाश्ता इनका सॉफ्ट बने। घोल पतला बनाने के बाद इसमें कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी है। इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। अब इस मिश्रण को फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने डाल दिया है। जब ये सिम पे थोड़ा पक जाए, ऊपर से कलर चेंज हो जाए, तब इसे पलट लीजिए और इसके ऊपर ब्रेड का पीस रख दीजिए और इसे पलट दीजिए पूरे चीले को ब्रेड के ऊपर, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। बस इसी के साथ ही ये बढ़िया तैयार हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर नीचे करके। अब इन बच्चों को टिफिन में वो सन ड्राई वाली चिप्स दे दीजिए जो अक्सर हम 12 महीने के लिए बना के रख देते हैं, उन्हें फ्राई करके और बच्चों को दे सकते हैं पापड़ चिप्स जो हम बच्चों के लिए ही बनाते हैं। तो कभी कभी अगर बच्चों को फ्रूट नहीं देना है या बच्चे रोज फ्रूट नहीं खाना पसंद करते, तो तब आप कुछ ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं बच्चों को। इन 5 दिन के टिफिन में सबसे अच्छा टिफिन आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके से बच्चों के 5 दिन के टिफिन जो हैं बिना मेहनत के हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत हेल्दी हैं और बच्चे आराम से खा कर आएंगे। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे टिफिन को पूरा खत्म करके आए, उनकी पसंद का बनाए। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारा चीजी खाना ना दें।